दोस्तों अगर आप लोग लोन लिए हो तो आप लोगों को चुकाना ही होगा ये मैं क्यों बोल रहा हूं क्योंकि देखिए अगर आप लोग कहीं से भी लोन लेते हो तो आप लोगों को चुकाना ये आप लोगों का फर्ज होता है क्योंकि आप लोगों को लोन दे रहा है आप लोगों के मुसीबत के टाइम पे लेकिन अगर आप लोग चुका नहीं पा रहे हो आप लोगों का प्रॉब्लम है फाइनेंशियल इशू है तो ये लोग जिस तरीके से आप लोगों को जो है हैरसमेंट कर रहे हैं आप लोगों को फर्जी नोटिस देना आप लोगों को फर्जी वकील के नाम से डराना फर्जी पुलिस के नाम से डराना ये सब जो चीज़ें करते हैं ये चीज़ जो है इनलीगल टाइप के करते हैं ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में पड़ता नहीं है कि किसी को जो है अगर कोई लोन का पैसा वापस नहीं कर पा रहा है कोई किसी का जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो लोग ना सोच के किसी को इस तरीके से प्रॉब्लम में डाल नहीं सकता है ये टोटली totally जो है इलीगल काम है आप लोग सोचते हो कि ये जो है एजेंट का काम है ये कर रहे हैं इसको हम कुछ कर नहीं सकते लेकिन दोस्तों ये आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है कि अगर मानो आपने लोन लिए हैं अगर आप लोग डिफॉल्ट हो गए हैं आप लोग किसी भी वजह से आप लोग रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो आप लोगों को फाइनेंशियल इशू हो सकता है जॉब लॉस हो सकता है कुछ भी हो सकता है आप लोगों का तो यहाँ पे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है देखिए एजेंट जो होता है ये अपना मनमानी करते हैं आप लोगों को पता है कि एजेंट जो है वो अपना कमीशन बेसिस में काम करते हैं जितना पैसा वो लोग रिकवर कर पाएगा उतना ज़्यादा जो है उन लोगों को कमीशन मिलेगा तो यहाँ पे आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप लोग अगर चुका नहीं पा रहे हो तो ये जो भी करते हैं ये सही करते हैं ये सही नहीं करते हैं आप लोगों को पता है कि ये जो भी काम करते हैं ये फेक तरीके से काम करते हैं आप सबको मैंने एक एक करके प्रूफ दिया था

तो वो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को समझ लेना है कि ये जो भी नोटिस आ रहा है या फिर एसएमएस के थ्रू आप लोगों को बोला जाता है कि आईपीसी के तहत जो है आप लोगों को 415 25 सेक्शन uh, 25 का जो ऊपर जो है पेमेंट सेक्शन सेटलमेंट एक्ट जो भी धारा है चार सौ धारा जो है वो लगा देते हैं ये आप लोगों को जो है ध्यान में रखना है कि ये जो भी वो लोग लिखते हैं वो एजेंट्स लिखते हैं ना कि कंपनी कंपनी के नंबर से आता है लेकिन वो एजेंट के पास जो है अथॉरिटी रहता है वो लोग करते हैं इस तरीके का काम आप लोगों को डराने के लिए ताकि आप लोग डर जाओ इस तरीके की चीज़ें देख के और आप लोग उनका पैसा जो है वापस कर दो देखिए अगर मानो कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो अगर आप लोग वो जो व्यक्ति को आप लोग पैसा दे रहे हो वो अगर वापस ना करे तो आप लोग क्या उसको छोड़ दोगे आप लोग तो पैसा लेने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे तो सेम तरीके से कंपनी क्या करते हैं आप लोगों से पैसा लेने के लिए वो त, न, मतलब तरह तरह की जो है चीज़ें अपनाते हैं तरह तरह के टेक्निक्स जो कि अपनाते हैं कभी आप लोगों को अरेस्ट वारंट भेज देगा कभी आप लोगों को वकील के नाम से फ़ोन करेगा कभी आप लोगों को पुलिस स्टेशन से कॉल करवाएगा मतलब कर्तक सब उन्हीं लोगों का लोग है जो चवनी चाप लोग उन लोगों का बैठा हुआ है उन लोगों का एजेंट जो है वही लोग करते हैं ना कि आ, सच में जो है वकील करता है ना कि सच में पुलिस करता है तो आप लोगों को ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है बहुत सारे कमेंट्स में आ रहे हैं कि मेरे पास से ये इस तरीके का कॉल आया था इस तरीके का एसएमएस आ रहा है अभी भी जो है आ रहा है एसएमएस और मुझे जो है कमेंट भर भर के मिल रहा है तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग लोन लिए हो अगर आप कैपेबल हो लोन चुका सकते हो तो आप लोग चुका दो क्योंकि आज आपका समय समय खराब है लेकिन कल जो है समय सही हो सकता है तब अगर सिविल आज ख़राब हो जाएगा इन फ्यूचर आपको कभी भी किसी की कोई चीज़ खरीदने की मतलब सोच आए कि अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो या फिर होम लोन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पैसा आ गया आपके पास तब आपका सिविल ख़राब होने की वजह से आप लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो ये दिक्कत आप लोगों को हो सकता है इसलिए अगर आपके पास अभी पैसा है पेमेंट कर सकते हो तो कर दीजिए दोस्तों अगर पेमेंट का पैसा नहीं है आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पैसा ही नहीं है मेरे पास जॉब नहीं है मैं क्या करूँ अब मैं तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है आप लोगों के ऊपर कोई लीगल एक्शन होने वाला नहीं है आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि कैसे आप इनसे निपट सकते हो कैसे आप इन सब चीजों से निकल सकते हो तो आप लोगों को ये सब चीजें जो है ध्यान में रखना है आप लोगों को ये सब चीजें जो है फॉलो करना है आप लोगों को कोई भी छू नहीं सकता ये मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना ना भूले दोस्तों तब तक के लिए चले टाटा बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत दोस्तों